बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मुसब्बत चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आज का व्लॉग है मेकअप की प्रोडक्ट से रिलेटेड और स्किन केयर की प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये आपको मेकअप ब्रशेस नज़र आ रहे हैं जो कि डिफरेंट पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें आपको आई ब्रशेज भी मिल जाएंगे, लिप ब्रशेज और साथ ऑल पर्पज़ ब्रशेज, आईब्रो काम ये भी मिलेंगे। तो ये कॉस्मेटिक के तमाम ब्रशेस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये मेड इन चाइना है और वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मेकअप की प्रोडक्ट से रिलेटेड और स्किन केयर की प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाएं और ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं जो कि रीज़नेबल भी हों और अच्छी क्वालिटी की भी हों। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये तमाम ब्रशेस, देखने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं और इनकी अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस में ये बिल्कुल रीज़नेबल हैं, क्योंकि अगर आप मेकअप लवर हैं तो आपको इन मेकअप ब्रशेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अगर इनके यूजेज की बात की जाए तो यूज़ करने में तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, लेकिन देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा क्यूटू से हैं। माफ करना, मैं जो उस से मैं निकल जाता हूं। चलें जी, मेकअप ब्रशेस के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट अभी इनको साइड पर रखते हैं और इसके बाद बारी आती है बेस्ट बीबी क्रीम की, जो कि अफोर्डेबल भी हो और अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाए, जिससे आपके फेस के ब्लामिशेस भी छुप जाएं। तो ये है XQM की बीबी क्रीम। ये रहे मेकअप टूल्स, इनमें आपको पाउडर पफ, ब्यूटी ब्लेंडर और साथ मेकअप स्पंजेस भी मिलेंगे। ये भी काफ़ी क्यूट से टूल्स हैं मेकअप के, और इनके बैक साइड पर तमाम इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है किस तरह आपने इनको यूज़ करना है और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपके पास मेकअप ब्रशेस या फिर मेकअप टूल्स मौजूद हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मेकअप कर सकती हैं। नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है लोरियल के काजल की। ये भी बहुत अच्छा काजल है, ये वाटरप्रूफ भी है और इसके बैक साइड पर भी इसके बेनिफिट मेंशन हैं। तो अगर आप इस लोरियल के काजल को बाय करते हैं तब भी आपकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो बिल्कुल रीज़नेबल इसकी प्राइस है, 350 में ये मैंने बाय किया था। नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है आई शेडो पैलेट, इसमें 20 कलर्स मौजूद हैं। ये ब्राइडल को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं और पार्टी मेकअप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह के शेड उन्होंने दिए हुए हैं। वैसे अगर महंगी प्रोडक्ट की बात की जाए तो मार्केट में अब काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे मेकअप भी आ चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल रीज़नेबल है, इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसमें कलर देखें, काफ़ी अच्छे कंट्रास्ट में उन्होंने कलर दिए हुए हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस में ये बिल्कुल रीज़नेबल है, ये मैंने 1200 में बाय की थी। नेक्स्ट एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि ये हाइलाइटर प्लस कंटूर का काम भी करता है, इसके भी बहुत ही प्यारे डिसेंट कलर कम्बिनेशन उन्होंने दिए हुए हैं। चलें जी, अब इसको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट बारी आती है इस पेंसिल की, जो कि लिप पेंसिल है। इसका कलर आप देखें, ये भी मेकअप का एक हिस्सा है लिप पेंसिल। तो अगर आप चाहें तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। तेरी माँ इसके बाद बारी आती है आईब्रो रेज़र और फेशियल रेज़र। इससे आप अपने फेस के हेयर्स रिमूव कर सकते हैं और साथ आईब्रोज़ के हेयर भी बना सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने कंप्लीट गाइडेंस भी दी हुई है और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी मेंशन है। ये भी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में मैंने बाय किया था। जिन गर्ल्स के पास पार्लर जाने का टाइम नहीं और उनकी बिजी रूटीन है तो उनको वरी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अगर इस रेज़र को बाय करती हैं तो वो इजीली घर पर और विदाउट टाइम वेस्ट किए इस आईब्रो रेज़र का इस्तेमाल करके अपने आईब्रोज़ को भी शेप दे सकती हैं और साथ अपने फेशियल हेयर्स भी रिमूव कर सकती हैं। अभी मैंने आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा दी है कि किस तरह का ये रेज़र बना हुआ है। चलें जी, अभी इसको साइड पे रखते हैं। इसके बाद बारी आती है मस्कारा की। तो ये फिटमी का मस्कारा मैंने बाय किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। ये वाटरप्रूफ भी है और साथ बेस्ट क्वालिटी भी रखता है। अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मार्केट में अब काफ़ी ज़्यादा और भी क्वालिटी के मस्कारास आ चुके हैं, लेकिन फिटमी का ये मस्कारा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, सो मैंने बाय कर लिया।
अभी इसको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट बारी आती है नेल पेंट की और नेल पॉलिश की। ये नेल पेंट और नेल पॉलिश स्विस केयर की हैं। चलें जी अभी नेल पेंट को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी क्वालिटी। वैसे अगर बात की जाए नेल पेंट की तो वाइट कलर में मैं काफ़ी देर से नेल पेंट बाय करना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बाज़ार जाती थी बाय करने के लिए मैं भूल जाती थी। तो आज मुझे ये नेल पेंट नज़र आई तो मैंने अपने लिए बाय कर ली। अभी इसके ऊपर लगाऊंगी मैं नेल पॉलिश, क्योंकि अगर आप नेल पेंट लगाते हैं और उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक में आपके नेल्स दिखाई देते हैं। वैसे भी मैं नेल पेंट लवर हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा नेल पेंट पसंद आती हैं, लेकिन मैं ले तो लेती हूँ लेकिन यूज़ नहीं करती। वो इस वजह से क्योंकि नमाज भी पढ़नी होती है और घर के काम भी करने होते हैं। वैसे जो गर्ल्स तो जॉब्स करती हैं वो रोज़ाना डेली बेसिस पे तैयार भी होती हैं, इस वजह से वो नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आप नेल पेंट के साथ साथ नेल रिमूवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसलिए ताकि आप नेल पेंट उतार सकें। कप प्रोडक्ट तो मैंने आपको दिखा दी हैं। नेक्स्ट बारी आती है स्किन केयर की प्रोडक्ट की। तो अभी मेरे पास आपको नज़र आ रहा है विटामिन सी वाइटनिंग सीरम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और वैसे भी वाइटनिंग सीरम आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपकी स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन पर एक ग्लो लेकर आता है। रिवाज का ये जो विटामिन सीरम है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। अभी इसकी आप पैकेजिंग देखें, इसकी पैकेजिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, बिल्कुल क्यूटी सी इसकी पैकेजिंग है। अगर आप डेली बेसिस पर इसके एक या दो ड्रॉप्स अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन ना सिर्फ ग्लोई हो जाएगी बल्कि आपकी स्किन के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। रिवाज का ये सीरम मेरी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहा था, इसलिए अगेन मैंने दोबारा बाय कर लिया। लेकिन वैसे मार्केट में अगर और सीरम की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सीरम आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर अपने फेस पर रोज़ वाटर से स्प्रे करते हैं तो आपकी स्किन के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। और मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप इसको अपनी स्किन केयर में ज़रूर अप्लाई करें। अभी मैं आपको स्प्रे करके दिखा रही थी, सेम इसी तरह आपने इस रोज़ वाटर को अपने फेस पर स्प्रे करना है। और ड्राई होने के बाद आप कोई सा भी सीरम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी स्किन केयर की ये चीज़ें किस तरह की लगी हैं। नेक्स्ट बारी आती है सीरम शीट मास्क की। तो ये अभी मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज की। तो ये मैंने डिफरेंट ली थी, एक मैंने ली थी विद रोज़ एक्सट्रैक्ट के साथ, दूसरी मैंने ली थी पोमीग्रांट एक्सट्रैक्ट के साथ। तो दोनों के डिफरेंट पर्पजेज़ हैं, दोनों के पर्पजेज़ इसके ऊपर उन्होंने डिटेल से मेंशन किए हैं। इसको आप अपने फेस पर 15 मिनट के लिए लगा सकते हैं और इसके बाद ना सिर्फ आपकी स्किन ग्लोई होगी बल्कि आपकी स्किन के तमाम मसले हल हो जाएंगे। नेक्स्ट बारी आती है नव्या की मॉइस्चराइजिंग क्रीम की। तो नव्या की मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप ज़रूर अपने स्किन केयर में अपनाएं। आप चाहें तो कोई और भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट नव्या की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो आप इसको अपने हैंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी स्किन को विंटर में ही मॉइस्चराइजिंग रखें, बल्कि समर में भी रखने की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।